मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की। चौहान ने बताया कि पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक को सोयाबीन एमएसपी पर खरीदने की अनुमति दी गई थी, अब मध्य प्रदेश सरकार से भी इसी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि कल रात हमें मध्य प्रदेश सरकार से एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने का प्रस्ताव मिला, जिसे हमने स्वीकृत कर दिया है। अब मध्य प्रदेश के किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी सोयाबीन एमएसपी पर खरीदी जाएगी और उन्हें उनकी मेहनत का उचित दाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की सेवा को ईश्वर की पूजा के समान बताते हुए कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम दाम पर बेचना पड़ रहा था, जिसे लेकर उनकी चिंता बढ़ गई थी। कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे, सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता ना करें, सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी।